गुड मॉर्निंग बच्चों, आज कृषि रसायन का हम 10वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अभिप्राय है कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक। अब यहाँ तक जाने से पहले सबसे पहले आपको पता हो कि कार्बन हाइड्रोजन है क्या। तो हमारे पास विद्यार्थियों आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जिनमें धातु, अधातु, उपधातु अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्हें व्यवस्थित किया गया है। सभी तत्वों के अपने अपने भौतिक रासायनिक गुणधर्म होते हैं, अपनी क्रियाशीलता है, उसी के आधार पर इन्हें आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। फिर भी कम से कम आपको 20 तत्वों के बारे में जानकारी हो कि एक नंबर का जो तत्व है वह है हाइड्रोजन, दो नंबर पर आता है हीलियम, तीन नंबर होता है लिथियम, चार नंबर है बेरिलियम, पाँच नंबर है बोरोन, छः कार्बन, सात नाइट्रोजन, आठ ऑक्सीजन, नौ फ्लोरीन, दस नियोन, 11 नंबर पर सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे रसायन विज्ञान की जो तीन शाखाएं होती हैं, रसायन विज्ञान की तीन शाखाएं होती है, अकार्बनिक रसायन, दूसरी होती है कार्बनिक रसायन और तीसरी शाखा होती है भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में हम उन यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन के अलावा अन्य सभी तत्व जैसे फास्फोरस, सल्फर, सिलिकन, बोरोन, एल्यूमिनियम के यौगिक, अयस्क धातु पाए जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन है, इसका अभिप्राय है कि हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक प्लस इनके व्युत्पन्न का जो अध्ययन किया जाता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे होता है, इनके क्या भौतिक गुण हैं, क्या रासायनिक गुण हैं, इनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वह विज्ञान की शाखा या रसायन विज्ञान की शाखा होती है कार्बनिक रसायन। उसी का एक भाग है ये हाइड्रोकार्बन। और भौतिक रसायन में जो भौतिक रसायन से संबंधित ऊष्मा गतिकी, साम्यावस्था, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन, रसायन बल गतिकी, ये टॉपिक्स हैं। हमारे सिलेबस में कार्बनिक रसायन का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर है 10। सबसे पहले इसकी परिभाषा है कार्बन और हाइड्रोजन। तो आप देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2। अगर हम कोश वाइज बात करें तो के एन, दो इलेक्ट्रॉन के में और 4 एल में। अब प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है और अष्टक पूरा करने के लिए यह या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले। लेकिन कार्बन है वो ना तो पूरी तरह से +4 अवस्था में रह सकता है और ना ही -4 में। तो कार्बन कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है और अन्य 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर क्या बनाता है? ये एक यौगिक है जिसका नाम होता है मेथेन, जो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला यौगिक है। इसका अभिप्राय है कि यहाँ जो आपको 4 बंध दिखाई दे रहे हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ कार्बन के नज़रिए से देखा जाए तो कार्बन का अष्टक यहीं पूरा हो जाता है और यही कार्बन चाहता था। और अगर हम हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया कि ये अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। यहाँ से यह भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 2 कंप्लीट हुए, इसके पास भी 2 और यहाँ भी 2 कंप्लीट। तो इस प्रकार जब कार्बन सहसंयोजक बंध या साझेदारी से जब बंध बनाता है तो यह अपने संयोजकता पूरी कर लेता है या अष्टक भी पूरा कर लेता है और ये इस अवस्था में पाया जाता है। तो यानी यहाँ से आपको क्या निर्णय निकालना है कि कार्बन है ये चतुसंयोजक रूप में पाया जाएगा, इसकी संयोजकता हमेशा 4 रहेगी, यानी यह 4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर बंध बनाएगा। और इसका संकरण क्या होगा इस कंडीशन में? sp3 संकरण होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि
हाइड्रोकार्बन की ये परिभाषा हमने देखी। उसके बाद ये है कि हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक है ये कहाँ पाए जाते हैं या क्या उपयोग है। तो हमारे पास जितने भी घरेलू ईंधन है, LPG है, CNG है, पेट्रोल डीजल है, उनका जो संघटक होता है वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर ही बना होता है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम देखते हैं दो श्रृंखलाएं होती है, एक तो होती है वी वृत्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है सहवृत्त हाइड्रोकार्बन। सहवृत्त का मतलब पहला और आखिरी कार्बन आपस में बंध बनाते हों, तो यह क्या होगा? सहवृत्त हाइड्रोकार्बन। विवृत्त का मतलब है कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में बंध नहीं बनाते हों, चाहे कितने ही कार्बन की श्रृंखला क्यों न हो। तो ये पहले मुख्य दो टाइप है हाइड्रोकार्बन के, सहवृत्त और विवृत्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब हम विवृत्त के बारे में डिटेल से देखते हैं। एक तो शब्द होता है यहां संतृप्त, विवृत्त का पहला टाइप है संतृप्त या सैचुरेटेड, और एक होता है असंतृप्त या अनसेचुरेटेड। संतृप्त से अभिप्राय है कार्बन कार्बन में केवल एकल बंध ही पाया जाता है। क्या कहलाते हैं ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि कार्बन कार्बन में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हों तो ये क्या कहलाते हैं? असंतृप्त। संतृप्त का उदाहरण है एल्केन। क्या है एग्जाम्पल? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन यौगिकों को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स का अर्थ होता है इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। ये एल्केन कैसे यौगिक होते हैं? बहुत ही कम क्रियाशील यौगिक होते हैं। जब हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया इसका CnH2n+2, तो आप इससे यौगिक बना सकते हैं। यदि n=1 है तो पहला यौगिक होगा CH4 मीन्स मेथेन। n=2 है तो दूसरा यौगिक होगा C2H6 मीन्स एथेन। n=3 है तो यहाँ होगा C3H8 और तीसरा यौगिक होगा यहाँ प्रोपेन। n=4 है तो यहाँ होगा 10, तो यहाँ होगा ये ब्यूटेन। तो ये हमारे पास है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन। फिर हम बात करें असंतृप्त। असंतृप्त में दो कैटेगरी है हमारे पास, एक तो होती है हमारे पास यहाँ एल्कीन और एक होता है यहाँ एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n और इन यौगिकों को ओलिफिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हैलोजन के साथ क्या बना लेते हैं? तेलीय पदार्थ बनाते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है? ओलिफिन्स। अब यहाँ जब CnH2n फॉर्मूला है तो n=2 हम यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि द्विबंध के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पहला यौगिक बनेगा C2H4। n=3 है तो पहला यौगिक बने दूसरा यौगिक बनेगा C3H6। इनके मध्य अगर बंध देखने हैं तो आप देखिए इस प्रकार से ये द्विबंध के द्वारा जुड़ेगा। तीसरा यौगिक है ये इस प्रकार से बंध बनाएगा। आप चेक कर लीजिए, कार्बन 3 होंगे और हाइड्रोजन 6। कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है, और प्रत्येक कार्बन की संयोजकता भी आप देख सकते हैं हमेशा और हमेशा। कितनी मिलेगी आपको? 4 मिलेगी। चाहे कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो, चाहे कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हो। तो यहाँ से हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारे पास बन गया ब्यूटीन। थर्ड है हमारे पास एल्काइन। एल्काइन की विशेषता है C=CC, यानी कम से कम त्रिबंध उपस्थित हो। फॉर्मूला होगा CnH2n-2। अब अगर हम n की वैल्यू यहाँ भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। तो जब आप 2 रखेंगे तो C2H2 पहला यौगिक बनेगा एसिटिलीन, यानी इनकी सहजातीय श्रेणी का पहला यौगिक होता है एसिटिलीन। दूसरा आप लेंगे C3H4 तो क्या बनेगा? CH3C CH। इस प्रकार तो ये हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई विवृत हाइड्रोकार्बन की, एल्केन एल्कीन एल्काइन। इन्हीं के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि एल्केन में प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा बच्चों? sp3 संकरण, क्योंकि कार्बन अन्य 4 परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़ेगा। एल्कीन की बात करें, यहाँ द्विबंध है तो अन्य 2 बंध बनाएगा, तो यहाँ 1, 2, 3 सिग्मा बंध के कारण संकरण क्या होगा? sp2। जबकि यहाँ 3 द्विबंध दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें 1 होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई बंध,
तो यहाँ पर संकरण क्या होगा विद्यार्थियों, sp। तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है एल्काइन में त्रिबंधित कार्बन पर कौन सा संकरण होता है, तो संकरण होता है sp। या आपसे पूछा जाए एल्काइन का सामान्य सूत्र, तो आप बताएंगे CnH2n-2। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, और तीनों में संकरण कार्बन का एल्केन में sp3, द्विबंधित एल्कीन कार्बन में sp2, त्रिबंधित एल्काइन कार्बन में sp संकरण होता है। उसके बाद हम बात करें सहव्रत की। सहव्रत का अभिप्राय है कि पहला और आखिरी यानी कम से कम तीन कार्बन से ही श्रृंखला स्टार्ट होगी या चक्रीय यौगिक बनेंगे। तो ये जो यौगिक हैं इनमें ये CH2 के द्वारा इस तरह से ये जुड़े होते हैं, यानी मैथिलीन है ये चक्र में पाई जाती है, ताकि सभी कार्बन है इनकी संयोजकता कितनी रहे, 4। तो सहव्रत में क्या आएगा आपके पास, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मीन्स इस प्रकार से CH2 ग्रुप आपस में जुड़े हों जिसमें कोई भी वलय नहीं बनती हो, या इनमें अगर द्विबंध है एक उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन एरोमेटिक की विशेषता ये होगी कि उसमें कम से कम पहला यौगिक इसका क्या है, बेंजीन है, जिसमें द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में पाए जाएंगे, और इसका पहला यौगिक क्या है, बेंजीन C6H6। आगे जो इसके एग्जांपल है वो सभी बेंजीन के ही व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो हमारे पास हमारे आज हाइड्रोकार्बन लेसन की एक पहली छोटी सी क्लास, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के रूप में देखा कि हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या है, हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ हम उपयोग में ले रहे हैं, क्या इसके टाइप हैं। टाइप में हमने चर्चा की विवृत हाइड्रोकार्बन, सहव्रत हाइड्रोकार्बन। विवृत हाइड्रोकार्बन में संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त का टाइप होता है एल्केन, एल्केन की चर्चा की। असंतृप्त का टाइप होता है एल्कीन और एल्काइन, हमने एल्केन को भी स्टडी किया और एल्काइन के बारे में भी बताया। नेक्स्ट हमने देखा सहव्रत के एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और एरोमेटिक में हम जानते हैं बेंजीन पहला यौगिक है C6H6, बाकी अन्य एरोमेटिक यौगिक इसमें इसके व्युत्पन्न माने जाते हैं। और एरोमेटिक शब्द एरोमा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सुगंध, अर्थात एरोमेटिक यौगिकों में सुगंध या स्मेल पाई जाती है। और इनकी एक और विशेषता होती है कि जब भी एरोमेटिक यौगिकों को जलाया जाता है तो ये काले धुएं के साथ इनकी ज्वाला जलती है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास यहीं तक, आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू।